पिछले महीने मैं नाटक करके लौट रहा था सर। वो रेशो आराम से साथ मेरी बीबी के साथ तुमने जो 20 करोड़ के हीरे मेरे पास रखे हैं ना जैन से भूल जाओ हीरे को तेरे गुनाह की यही सजा है। मैं सोचता रहा सर कि आदमी कौन है लेकिन मेरा ही हमशक्ल जयंत सर 30 करोड़ के हीरे सर ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था सर। सर मुझसे रानी गया मैंने मैंने कांति का पीछा किया और दो तीन दिन में मुझे सब मालूम चल गया कि जयंत ही मेरा हमशक्ल और मैंने ये भी पता कर लिया कि कांति ने अपने घर में हीरे कहाँ छुपा के रखे। इससे पहले कि मैं जयंत बन के वो हीरे लेता जयंत का खून कर दिया। मैंने सोचा कि मैं जयंत तो बन नहीं सकता। मेरे दिमाग में एक विचार आया सर जयंत की आत्मा बनकर आपके पास पहुंच गया सर। ये लगा कि अगर आप मुझे आत्मा मानेंगे पूरी दुनिया के आप कांति भी मानेगा और फिर मैं दूसरी बार जयंत की आत्मा बनकर कांति के पास गया। उसे बड़े तरीके से बड़ी चालाकी से मुझे पता है जयंत नहीं मारा है तो फिर कांति ने कहा क्या जयंत नहीं बोला क्या बोला नहीं सर कांति ने मुझे जयंत की आत्मा समझकर सच सच बता दिया कि जयंत का खून उसकी बीवी निहल ने जयंत के घर की नई नौकरानी शारदा के जरिए उसके टी बैग में बेहोशी की दवा मिलवा दी। में उस रात अपनी गाड़ी में बेहोश जयंत को उठाकर फ्रिज से नीचे फेंक दिया।
I'm recalling a teammate. Thanks. कैसा दिया पब्लिक 1v4 कैसा दिया मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की आवाज ग्लिच है Watch out!
Watch out! Victory belongs to us.